नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्री वंशीधर नगर नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी देवी तथा वार्ड पार्षद नीरज कुमार के बीच मंगलवार दोपहर ट्रामा सेंटर के समीप किसी मामले को लेकर झड़प होने का मामला प्रकाश में आया है। मामला आने के बाद वार्ड पार्षद नीरज कुमार में वंशीधर थाना में आवेदन देकर कांड संख्या 6/19 धारा 341, 323, 504, 506, 34 के तहत नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी देवी तथा उसके पति मुकेश रजक पर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। 10 बजे के आसपास गया था डस्टबिन बांटने अपने वार्ड क्षेत्रों में। उस समय मैं कहाँ पे बांट रहा था? उस समय मैं दीप मेडिकल स्टोर राधाचा के दुकान के पास बाहर में डस्टबिन बांट रहा था। बांटते बांटते काफी समय हो गया, तभी उसी बीच नगर पंचायत अध्यक्ष अपने पति के साथ स्कॉर्पियो से आ धमकी, तो उन्होंने तुरंत हमारे साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि तुम मेरा शिकायत बात करता है, तुम हमको गाली गलौज करता है, माई बहन करता है। हम कि मैडम मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, क्या प्रमाण है, आप ऐसा गलत आरोप क्यों लगा रही हैं? लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद जितना ही बोलने के बाद उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया, तभी दूसरा थप्पड़ जैसे उन्होंने चला वहां के सारे ग्रामीण हमारे वार्डवासी रोक लिए, वहां बीच बचाव करते वहां से कारण पूछा गया, जिसका वो जवाब अपना वही आरोप लगा रही है कि मेरे प्रति गाली गलौज करता है, जबकि ऐसी कोई सारी आरोप बेबुनियाद है। फिर मैंने थाने प्रभारी को आवेदन देकर इसकी जांच कर कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करने का आवेदन दिया। मामला आने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि एक माह से विभिन्न चौक चौराहों पर वार्ड पार्षद नीरज कुमार द्वारा मेरे विरुद्ध असंसदीय भाषा का प्रयोग किए जाने की शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि कंबल वितरण के दौरान भी वार्ड पार्षद नीरज कुमार के द्वारा जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया था। इस मामले में धूर्वाज द्वारा भी नीरज कुमार को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसके द्वारा इस मामले पर बात नहीं की। मंगलवार को नगर पंचायत कार्यालय जाने के देखा कि ट्रामा सेंटर के समीप डस्टबिन वितरण के लिए बैठा था। जब इस मामले में पूछताछ करने लगी तो वार्ड पार्षद द्वारा धमकी दिए जाने लगा था। उन्होंने कहा कि माँ बहन की गाली किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके इस व्यवहार से मैंने उसे थप्पड़ जमाया। 24 तारीख से कमल का वितरण चल रहा था हमारे नगर पंचायत में ठंड को देखते हुए, और इसी के बीच में हमारे वार्ड पार्षद 8 नंबर के जो नीरज कुमार हैं, उनके द्वारा कहीं भी चौक चौराहा पर अशब्द भाषा, गाली गलौज, चाहे वो माँ को लेके हो चाहे हमको लेके हो, मैंने मेरे सामने भी ऑफिस में भी आके उन्होंने मेरे सामने गाली दी कि अध्यक्ष कर लेगी। और उसके अलावा जहां जहां वो गाली दिए हैं, मैं इतना प्रूफ के साथ आदमी को खड़ा कर दूंगी कि वो गाली दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और उसके अलावा भी जान से मारने की धमकी देते हैं, और माँ का गाली दिया हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसके लिए हमने उनके गाल पे जड़ दिया। इधर इस मामले में थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने कहा कि वार्ड पार्षद के द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार का आवेदन नहीं मिला है। इस मामले पर वार्ड पार्षद नीरज कुमार द्वारा आवेदन के माध्यम से कहा गया कि वे डस्टबिन बांट रहे थे। इसी बीच नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके पति मुकेश कुमार रजक अपने स्कॉर्पियो से उतरकर दोनों मिलकर गाली गलौज करने लगे। बोले कि तुम नेता बनते हो, मेरी शिकायत करते हो। तो इस पर नीरज कुमार द्वारा पूछा गया कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है। इसी पर अध्यक्ष और अध्यक्ष पति के द्वारा एक चांटा जड़ा गया। नीरज ने बताया कि उनके द्वारा कहा गया कि मैं हरिजन एक्ट के झूठे केस के में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। धन्यवाद।